मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, जसवंत सिंह चौहान जेएच टेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का हमारा जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के तहत जो टॉपिक चल रहे थे दोस्तों, मैग्नेट, उसमें अगला जो हिस्सा है, अगला जो पार्ट है दोस्तों, वो है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में दोस्तों क्या चीजें एक जैसी होती है, क्या चीजें समान होती है, जिससे कि हम और आसानी से इन टर्म्स को जो है दोस्तों समझ सके, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिए, हमने कंपैरिजन किया दोस्तों, हमने एक मैग्नेटिक सर्किट लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। अब चुंबकीय परिपथ या मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है दोस्तों, ये हमने कोर लगा दी और इसके ऊपर हमने दोस्तों ये कुंडली लपेट रखी है, वायर लपेटा है, इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से निकल रही है। दोस्तों इस धारा के प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इस कोर में फ्लक्स जनरेट होगा। वही हम दोस्तों इधर बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, दोस्तों हमने EMF का कोई फोर्स लगा रखा है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, R हमारा कोई लोड है या प्रतिरोध है, R जो हमने इससे दर्शा रखा। अब दोस्तों इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या चीजें जो एक जैसे काम करती है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं फ्लक्स। फ्लक्स जो है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, वो इसको हम दर्शाते हैं दोस्तों MMF अपॉन रिलक्टेंस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। तो वैसे के वैसे दोस्तों, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स होता है, वैसे के वैसे विद्युत सर्किट में क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। और करंट को हम कैसे दर्शाते हैं, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन प्रतिरोध, जो है ऐसे दर्शाते हैं। तो यहाँ दोस्तों इधर का फ्लक्स और इधर की हम बात कर रहे थे दोस्तों करंट। विद्युत परिपथ में हम बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू वहां करंट की है, वही वो चुंबकीय सर्किट में दोस्तों वैल्यू या जो मान है वो फ्लक्स का होता है। उसके बाद हम दोस्तों दूसरी बात कर रहे हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक जो बल दोस्तों, इसका मात्रक होता है एम्पीयर टर्न्स। वही दोस्तों विद्युत सर्किट में क्या कहलाएगा, EMF। अगर धारा प्रवाहित हो रही विद्युत सर्किट है तो वहां EMF कहलाएगा दोस्तों, इसको वोल्ट में नापते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखा है दोस्तों, यहां वेबर में नापते हैं। वही हम यहां बात करते हैं, यहां हमारा होगा करंट, जो यहां करंट का काम होता है वही यहां फ्लक्स का काम होता है, इसको हम आई से दर्शाते हैं, एम्पीयर में नापते हैं, इसको हम आई से दर्शाते हैं, वेबर में नापते हैं। चौथी हम यहाँ बात कर ले दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व, कितना फ्लक्स है इकाई क्षेत्र में, कितना फ्लक्स है, इसको हम पी से दर्शाते हैं और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। वही चौथा हम यहाँ बात करें तो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व कितना होगा दोस्तों, ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर से इसको यहाँ दर्शाते हैं, ये दोनों सेम है। इसके बाद दोस्तों हम रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं, रिलक्टेंस क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स के बनने का या चुंबकीय बल रेखाओं के बनने का विरोध करता है रिलक्टेंस। वैसे के वैसे इधर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है दोस्तों, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको अपोज करता है, इसको एस से दर्शाते हैं, एल अपॉन म्यू ए, इस सूत्र से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। इसका दोस्तों कोर का जो है क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, म्यू जीरो जो है या म्यू जो है एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, और म्यू आर जो है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये तो दोस्तों हवा की होगी और ये उस पदार्थ की होगी जिसकी कोर बन रखी है। उसके बाद दोस्तों इधर रेजिस्टेंस हो गया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या रो जो है दोस्तों रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, L चालक की लंबाई है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। छठा हम बात कर ले दोस्तों प्रीमेंस, प्रीमेंस क्या होता है दोस्तों, रिलक्टेंस का उल्टा होता है, रिलक्टेंस का उल्टा प्रीमेंस कहलाता है। रिलक्टेंस मतलब रोकने की कोशिश करना, तो प्रीमेंस क्या कर रहा है, प्रवेश या ज्यादा जाने देना। वैसे इधर होता है दोस्तों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है विद्युत या चालकता क्या होती है दोस्तों, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध रोकता है तो चालकता सुगमता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों सातवां हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों म्यू जीरो म्यू आर अपॉन ए, इसका जो है दोस्तों उल्टा कर ले, हम इसका उल्टा कर ले तो वैसे दर्शाई जाएगी, वैसे ही क्या है दोस्तों, यह कहलाती है रेजिस्टिविटी, जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। उसके बाद दोस्तों आठवां पॉइंट हम बात कर ले प्रमेबिलिटी, तो वो होता है दोस्तों प्रमेबिलिटी जो होता है वन अपॉन रिलेक्टिविटी, जो है इसका उल्टा होता है। वही कंडक्टिविटी की बात कर ले दोस्तों चालकता जो वन अपॉन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा जो है चालकता होता है, यहाँ रिलेक्टिविटी का उल्टा प्रमेबिलिटी होता है। तो ये दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ राशियां है जो यहाँ जैसे कहलाती है, वैसे के वैसे मैग्नेटिक सर्किट में ये क्या कहलाती है, इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख ले, मैग्नेट चुंबक जो है आपने बहुत सारे क्षेत्र में देखा होगा चुंबक का उपयोग किया जाता है। कुछ मेन मेन हम देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो है मशीन में दोस्तों मोटर आ गया, जनरेटर आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, कन्वर्टर्स आ गए, इन सब में जो है मैग्नेट का जो है उपयोग किया जाता है।
उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तार नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए, इन सब में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रोटेक्टिव रिले, सुरक्षा के लिए जो रिले यूज करते हैं उसमें मेडिकल पर्पज में दोस्तों, जैसे आंख में कोई अगर लोहे का कण चला जाए तो वो भी मैग्नेट से निकालने के लिए मेडिकल पर्पज में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों और आते हैं बेल्स, जो घंटियां लग रही थी घरों के अंदर, वो बजर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, टेलीफोन सर्किट हो गया, लिफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल यूजेस, ये जो होती है कारखाने वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये मैग्नेट का जो कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है जो इसमें दर्शाया गया है, ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट यह हो सकता है दोस्तों कि क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि करेंट का जो मान इलेक्ट्रिक सर्किट में वैसे के वैसे आप मैग्नेटिक सर्किट में बताओ क्या होगा, तो वो दोस्तों फ्लक्स होगा। तो ये चीजें पूछ रहे, जैसे पूछ रहे जो ईएमएफ का जो वैल्यू या जो मान होता है या जो ईएमएफ जो दर्शाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या दर्शाता है, तो वो दोस्तों एमएमएफ। तो कुछ भी कंपैरिजन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।